हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के पे जुया। बड़े दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, वो भी हिंदी में। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। आज सैटरडे है और यहाँ पे टाइम हो चुका है 10:30। मॉर्निंग में उठने का मन ही नहीं करता, इतनी ठंड बढ़ गई है यहाँ पे और रात भर बारिश हो रही थी। सवेरे उठते ही हस्बैंड ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया और जिम चले गए। आते वक्त वो ग्रॉसरी शॉप होते हुए आए तो यहाँ पे मैं वही सब्जियाँ निकाल कर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर में वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हरी सब्जियां तो अच्छे से पत्ते वाली मिल जाती है, पर ऐसा लगता है कि किसी ने इनको नहलाया है पानी से, इतनी केली थी ये। और ये है शेपू का पंच, ये दिन ब दिन इतना छोटे होता जा रहा है कि पूछो ही मत। अगर आपको मुंबई स्टाइल पाव भाजी खानी है तो ज़रूर ये पाशा का पाव भाजी मसाला ट्राई करिए, बहुत ही यमी पाव भाजी बनती है। इंडियन स्टोर से ये फिश लेके आए हैं, ये मैकरल है और ये है ऑर्गेनिक चिकन। ये सब्जियां अभी खोल के इस तरह से मैं सुखाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है और ये सब्जियां नहीं तो खराब हो जाएंगी। देख सकते हैं ये धनिया के जो पत्ते हैं, इतने बड़े बड़े, इतने गीले हैं, तो इन्हें खोल के फिर ऐसे सुखा लूंगी। यहाँ पे मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो वॉश करके साइड में रख रही हूँ, अच्छे से सोप से बाद में वॉश करूँगी, पहले ये अच्छे से क्लीन करके साइड में रख दूंगी और सिंक को साफ कर लूंगी तो खाना बनाने में आसानी होगी। आज बच्चों का चिकन खाने का मन था तो हस्बैंड ने कहा कि वो बना देंगे। यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे से 3-4 पानी से धो लूंगी, फिर उसे कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक एंड सॉल्ट लगा के मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। जब तक चिकन बन रहा है तब तक ये सब्जियां मैं साफ करके रख दूंगी। कल से ये मैं क्रिसमस ट्री के ऑर्नामेंट्स ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहे हैं। चिकन करी रेडी है, बहुत ही मज़े की बनी थी और बच्चों को बहुत पसंद आई। पार्सल आ गया है जिसके लिए मैंने बहुत सारा वेट किया। ये है बॉबी ब्राउन की क्रीम आई शेडोज, सो देखते हैं ये कैसे दिखती है। बनाओगे इसके ऊपर और देखेंगे कि ये कैसे वेयर होता है और कितने टाइम तक रहता है चेहरे पे। सो दिस और क्या, ये मैंने बेनिफिट की किट मंगाई थी, इसमें ब्राउ पेंसिल, और इसमें मुझे एक
वाला परफ्यूम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप कोई परफ्यूम बाय करो तो आपको एक आइडिया आ जाती है कि हाउ द परफ्यूम स्मेल्स। सो या दिस इज द बोनस जो मुझे मिला है ये परचेज के साथ। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हाफ द प्राइस, मतलब 50% डिस्काउंट था इसके ऊपर। सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी आने वाले व्लॉग्स में, शायद आज ही बता दूं या फिर किसी और व्लॉग में। ये है मेरा बेसमेंट, ढूंढते हैं क्रिसमस ट्री के ऑर्नामेंट्स कहाँ रखे, कुछ याद नहीं मुझे। टांगना है ऊपर, देखते हैं कब होता है इसका काम। काफी मेसी है बेसमेंट, अच्छे से दिखाऊंगी होम टूर कभी। ये सारे मेरे क्रिसमस के है सारी चीजें यार, कुछ याद ही नहीं आ रही मुझे तो, कुछ भी याद ही नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं। God, where did I keep it? कुछ भी कहाँ गए, यहाँ पे तो नहीं है। ये मेरा फोन है, ये है, लाइट ऑन करो, ये फर्नेस है, और ये जो है ये पूरे घर को गरम रखता है। हिडन स्टोरेज है बेसमेंट में, और सबसे अच्छी बात इस बेसमेंट की ये है, यहाँ पे वॉकआउट बेसमेंट है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम अपने बैकयार्ड में, ये जो है बैकयार्ड में निकालते हैं। और आज बहुत बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है। काफी सारा काम है यहाँ पे बेसमेंट में, लेकिन बाद में करूंगी यार, थक जाती हूँ, कितना काम करूँ दिन भर। Thanksgiving turkey are still sitting on the fireplace. Take down the turkeys. Take down the what? Turkey. You. This is not ready. We are putting an ornament on. I've no one hearing all this. It's very pretty. I like this one a lot. It's very pretty. And this. You know, ever since I saw this, which is like 5 seconds ago, it reminds me of
reminding me of the unicorn horn. I can start things. Anya, please. We do that, Mama. How do you deal with that? I could never. I could never have this. I could never deal with a person. I will hit you like I will hit you with this weapon of Santa Claus. Santa Claus was a pie because it's Santa. Santa murders all. और ये क्रिसमस ट्री सज गई है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी बाकी है, बट धीरे धीरे होती रहेंगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।